का उनके दादा सैयद हैदर का मकान था, जहां पर हजरत बाबा ताजुद्दीन 27 जनवरी सन 1862 को पैदा हुए। उनके घर के ठीक सामने देखिए तारीखी मस्जिद है। हम बात करेंगे संजय भाई से। संजय भाई, यहां पर एक कहते हैं कि कब्रिस्तान भी है, आधा किलोमीटर दूरी पर है इस तरफ, नदी कन्हान नदी, जी कन्हान नदी के किनारे ही है क्या होगा? सलाम आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं दयारे ताजुल औलिया में, नागपुर में। जी हाँ दोस्तों, मेरे सामने जो रोज़ा आपको नजर आता है, मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि वो रोज़े को दिखाए। ये देखिए शानदार रोज़ा जो आपको दिखाई देता है, ये सरकार ताजुल औलिया का रोज़ा है जो नागपुर स्थित है। आपकी मारूफियत आप सरकार ताज के चाहने वाले प्लीज इस वीडियो को हर ग्रुप में हर पेज पर शेयर करें, बीच बीच में आपसे बातें की जाएंगी। अगर अभी तक आपने खोज इंडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री में हम बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से लेकर वफात तक के सारे हालात को कलमबंद करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम मशहूर इतिहासकार डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब की राय को भी शामिल करेंगे, जिनका ताल्लुक शहर कामटी से है और आपने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। शहर कामटी सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया की पैदाइश वाला शहर है। हम शहर कामटी चलेंगे, यासीन कुद्दूसी साहब से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले खोज इंडिया आपसे गुजारिश करता है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले ये काम आप जरूर करें ताकि खोज इंडिया का मकसद कामयाब हो, खोज इंडिया का पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचे। मैं डॉक्टर रजीउद्दीन सिद्दीकी आपको अब दयारे ताजुल औलिया से सीधे शहर कामटी लेकर जाऊंगा। शहर कामटी वो शहर है जो नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर वाके है। इस शहर में हजरत सरकार सैयदना ताजुद्दीन औलिया की पैदाइश हुई थी। वहां पर चल के हम वहां के हालात का जायजा लेंगे और यासीन कुद्दूसी साहब से बातचीत करेंगे और रोज़ा मुकम्मल आपको इस एपिसोड के आखिर में दिखाएंगे, यहाँ के हालात दिखाएंगे, अंदर से भी दिखाएंगे और क्या क्या यहाँ पर तबरुकात रखे हैं उसकी भी ज़ियारत करवाएंगे। लेकिन हम चल रहे हैं फिलहाल शहर कामटी, उसके बाद उन सारी मकामात पर भी जाएंगे जिनका सरकार ताजुल औलिया की जिंदगी से नाता रहा है, जैसे सागर, वाकी, काबुल कंधार के अलावा भी बहुत सारे मकामात को हम पूरी तरीके से आपको दिखाएंगे इस एपिसोड में। तो चलें मेरे साथ शहर कामटी, आइए हम चलते हैं शहर कामटी की ओर। हम कामटी में उस मकाम पर पहुंच चुके हैं जिसे नया बाजार के नाम से जाना जाता है, ताज चौक का ये इलाका है। ये जो मकान आप देख रहे हैं आपके सामने नजर आ रहा है, डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब का दौलत कदा है। हम चलेंगे बात करेंगे सरकार ताजुल औलिया के ऊपर यासीन कुद्दूसी साहब से। आई हम फाइनली डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब के साथ उनके दौलत कदे पर इस वक्त मौजूद है। जैसा कि हमने आपको इसके पहले भी बताया है कि हम सारे सवालात आज सरकार ताजुल औलिया की जिंदगी के बारे में यासीन कुद्दूसी साहब से करेंगे। दरअसल हमने नागपुर के अतराफ बहुत शख्सियतों को तलाश किया कि किन से बात की जाए सरकार ताजुल औलिया के बारे में, तो काफ़ी तलाश के बाद हमें एक नाम जो मिला वो कामटी में डॉक्टर यासीन कुद्दूसी साहब का मिला, क्योंकि आपने सरकार ताजुल औलिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और जैसा कि आप सभी वाकिफ हैं कि सरकार ताजुल औलिया का भी ताल्लुक शहर कामटी से था। इस्तकबाल है यासीन कुद्दूसी साहब आपका खोज इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ लाए। आप डॉक्टर भी हैं जी, किस लिहाज से? आप जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरी तालीम तरबियत रब्बानी स्कूल कामटी में हुई, उसके बाद मारिस कॉलेज नागपुर से मैंने बीए किया, नागपुर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में मैंने एमए किया और वहीं से मैंने विदर्भ अंडर द मुगल्स 1595 से 1724 एक उन्वान मैंने चुना जिस पर मैंने एक मकाला लिखा, जिस पर मुझे नागपुर यूनिवर्सिटी से 1974 में पीएचडी की डिग्री अता की गई।
इसके फौरन बाद ही मैं उसी साल भोकमे आचार्य कदीमा ओल्ड हाईकोर्ट बिल्डिंग नागपुर में मेरे तकरूरी अमल में आई और 1974 से लेकर 2005 तक मैं इसी मोहकमे से वाबस्ता रहा। पुरातत्व विभाग जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या पुरातत्व सर्वेक्षण कहा जाता है, चुनाचे उसका दफ्तर नागपुर में आज भी मौजूद है, लेकिन हम जिस वक्त सर्विस में थे उसका जो सदर दफ्तर था नागपुर के इस इलाके में तो वो ओल्ड हाईकोर्ट बिल्डिंग थी, जो अब वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में शुमार होती है वो बिल्डिंग। चूंकि आज हम सरकार ताजुल औलिया हजरत बाबा ताजुद्दीन के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपके खानदान के बारे में आप क्या जानते हैं। सरकार ताजुल औलिया के खानदान के बारे में जैसा कहा जाता है कि आप दक्षिण भारत से यहाँ पर आए हुए थे, तो कब आया था इनका परिवार और कौन आए थे, क्या आप बता सकते हैं? जहाँ तक सरकार ताजुल औलिया के खानवादे का ताल्लुक है, मैंने मुस्तनद किताबों में पढ़ा भी है और बुजुर्गों से सुना भी है कि किसी ज़माने में आपका खानवादा कोलार, जो कर्नाटक का एक ज़िला है और बेंगलोर से मुत्तसिल है, वहाँ कभी इनका खानवादा आबाद था। और मैं जब बहुत पहले तकरीबन 30-35 साल पहले जब मैंने कोलार का दौरा किया था, तो उस वक्त वहाँ के अहम लोगों से मुझे ये बात मालूम हुई थी कि ताजुल औलिया का खानवादा इसी कोलार में आबाद था। और वो खानवादा उस वक्त पीरजादों का खानवादा या पीरजादगान ने कोलार के नाम से मशहूर रहा है, और इस खानवादे के कुछ अफराद की कब्रें भी वहाँ की जामा मस्जिद में मौजूद बताई जाती हैं। वो इलाका मैंने देखा है, जामा मस्जिद भी देखी है और कोलार का मैंने दौरा भी किया था, तो चुनाचे ये बात तो मैंने वहाँ ज़बानी तौर पर सुनी थी, लेकिन जनाब सैयद हुसामुद्दीन साहब हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया के जो हमशीरज़ादा थे, उन्होंने भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि ये खानवादा कोलार में आबाद था और पीरजादों के ख़ानदान के नाम से मशहूर रहा है। उसके बाद उस खानवादे ने गालिबन सैयद कादर साहब ने कोलार से हिजरत की और निज़ाम हैदराबाद की फौज में वो दाखिल हुए। उसके बाद उनके फर्जंद भी निज़ाम हैदराबाद की फौज में दाखिल हुए और वो नायक के अहदे पर मौजूद मुकर्रर हुए। फिर जब 1822 में कामती में फौजी छावनी का क़याम अमल में आया, तो इस खानवादे ने हैदराबाद से कामती का रुख किया और यहाँ की फौजी छावनी में उन्होंने मुलाजमत अख्तियार की, जिसमें इनके वालिद मोहतरम हजरत ताजुल औलिया हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन के वालिद मोहतरम का नाम सैयद बदरुद्दीन था, वो भी यहाँ के कामती में आकर फौज में दाखिल हुए। इसके बाद जब वक्त आया तो हजरत ताजुल औलिया भी मद्रास बटालियन में गालिबन 1881 में उसी मद्रास बटालियन का हिस्सा बने। सरकार ताजुल औलिया की पैदाइश आपके मुताबिक शहर कामती की ही है, कामती में वो कौन सा मकाम होगा जहाँ पर आप पैदा हुए होंगे? जहाँ तक हमने सुना है बुजुर्गों से और पढ़ा भी है, कामती में गोरा बाजार का जो इलाका है वो फौजी छावनी का इलाका है, कन्हान नदी के किनारे वो मोहल्ला आबाद हुआ, और जब फौजी छावनी का क़याम अमल में आया तो अंग्रेज़ों के साथ साथ हिंदुस्तानी जो फौज के अफराद थे उनके खानवादे भी उसी गोरा बाजार में आबाद होने लगे। चुनाचे हजरत ताजुद्दीन औलिया का जो खानवादा गोरा बाजार में आबाद था, तारीख के मुताबिक सनद के साथ ये कहा जा सकता है कि 27 जनवरी 1862 में सरकार ताजुल औलिया की विलादत गोरा बाजार कामती में हुई। आपके दादा के बारे में कहा जाता है उनका नाम सैयद हैदर जी, वो ही कामती सबसे पहले आए थे। जी हाँ, जहाँ तक वो नकल मकानी का ताल्लुक है, सैयद हैदर साहब आ गए थे, वो भी फौज का हिस्सा बने, उनके बेटे सैयद बदरुद्दीन साहब भी फौज का हिस्सा बने, और जो नकल मकानी हुई हैदराबाद दक्कन से
कामठी में हुई और उस वक्त से ये खानवादा कामठी में आबाद रहा, गोरा बाजार में आबाद रहा। अब सवाल ये है कि क्योंकि नदी में अक्सर 10-5 साल में बहुत ज़बरदस्त सैलाब आता है और आता रहा है पिछली तारीखों में भी, तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब इनके खानवादा जो आबाद था गोरा बाजार में, उनका मकान भी सैलाब की जद में आ गया था और वो मकान जो है वो बर्बाद हो चुका था। अब इस वक्त उसकी निशानदेही मुश्किल है कि वो मकान कौन सा था। फिर भी खोज इंडिया नाजरीन आपको ये बताना जरूरी समझता है कि हम चल रहे हैं यहाँ से, ठीक कहते हैं कितनी दूरी होगी, 1.5 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर यहाँ से। हाँ, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है वो इलाका जिसे गोरा बाजार आज भी कहा जाता है। चलकर हम वहाँ देखते हैं और वहाँ के कैसे हालात हैं और उस तारीखी कब्रिस्तान को भी देखने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आपके आबो अजदाद कहते हैं मदफून। फाइनली हम कामटी के उस मकाम पर पहुँच चुके हैं जिसे गोरा बाजार का इलाका कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा है इसके पहले कुद्दूसी साहब ने आपको बताया है कि सरकार सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश गोरा बाजार की है। उनके वालिद बदरुद्दीन साहब के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी भी पैदाइश इसी मोहल्ले गोरा बाजार की है। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ की तारीखी मस्जिद है। इसी मस्जिद में आपका ख़ानदान सजदा रेज हुआ करता था। यहाँ पर कुछ मुकामी बाशिंदे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे सरकार ताजुल औलिया के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर संजय भाई। संजय भाई आइए आप थोड़ा इस तरफ। संजय भाई आप यहीं के निवासी हैं, कितनी पीढ़ियों से आप यहाँ पर रहते हैं? 100 साल से। अच्छा, 100 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। कहा जाता है कि गोरा बाजार में हजरत बाबा ताजुद्दीन की पैदाइश हुई थी, उनका खानदानी घर किस जगह पर था? ये सामने वाली जगह है। अच्छा, इस जगह पर, ये इसी जगह पर जहाँ पर हम अभी खड़े हैं। हजरत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो खानदानी मकान था, यानी उनके दादा सैयद हैदर साहब का जो मकान था, वो इसी जगह पर हुआ करता था। आप देखिए ये वो जगह है। संजय भाई जो यहाँ के मूल निवासी हैं, कई पीढ़ियों से यहाँ पर रहते हैं, ये सरकार बाबा ताजुद्दीन के पड़ोसी हैं। दरअसल ये मकान की जगह जो अभी खाली आपको दिखाई देती है, एक झाड़, एक जंगल यहाँ पर जो दिखाई देता है, इस जंगल के आसपास ये पूरा इलाका जो खाली है, हम कहेंगे कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सरकार ताजुल औलिया की जन्मभूमि है। जी हाँ दोस्तों, मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, गोरा बाजार का ये वो तारीखी इलाका जहाँ पर इसी जगह उनके दादा सैयद हैदर का मकान था, जहाँ पर हजरत बाबा ताजुद्दीन 27 जनवरी सन 1862 को पैदा हुए। उनके घर के ठीक सामने देखिए तारीखी मस्जिद है। हम बात करेंगे संजय भाई से। संजय भाई यहाँ पर एक कहते हैं कि कब्रिस्तान भी है, आधा किलोमीटर दूरी पर है इस तरफ, नदी कन्हान नदी जी, कन्हान नदी के किनारे ही है कि वो कब्रिस्तान जहाँ पर इनके खानदान के लोग कहते हैं कि दफन। क्या हम लोग वहाँ जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। जा सकते हैं तो कार से जाना है कि पैदल जाना? कार भी जाती है वहाँ तक। तो चलिए हम चलते हैं उस कब्रिस्तान की ओर और देखेंगे वहाँ के हालात कैसे हैं जहाँ पर सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का खानदान सुपुर्दे खाक। फाइनली हम उस मकाम पर पहुंच गए हैं। ये देखिए ये तारीखी कब्रिस्तान आपके सामने नजर आ रहा है, ये वही कब्रिस्तान है जिसके बारे में कहा जाता है कि सरकार ताजुल औलिया के दादा, सरकार ताजुल औलिया का खानदान, सरकार ताजुल औलिया के वालिद सैयद बदरुद्दीन साहब इसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हैं। ये आपका खानदानी कब्रिस्तान है। हम चलकर इसके अंदर यहाँ का जायजा लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कुछ मज़ारात पे यहाँ पर कतबे नज़र आते हैं, उनको पढ़ने की भी कोशिश करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे। स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की है इस कब्रिस्तान के बारे में, लेकिन कोई बताता नहीं है कि एक्चुअल में उनके वालदैन की मज़ारें कौन सी हैं। हमने इतिहासकार कुद्दूसी साहब से जब इस हवाले से बात की तो आपने बताया था कि कई बार बाढ़
यहाँ पर आ चुकी है। ये सामने ही बिल्कुल कन्हान नदी है, दरियाए कन्हान के एकदम किनारे ये इलाका वाक़ है। कई बार बाढ़ में ये इलाका डूबते रहता है, तो पुरानी जो तारीखी कब्रें थी वो कई बार डूब चुकी हैं और सारे कतबात वगैरह बह चुके हैं। ये देखिए, ये गालिबन 150 साल पुराना लगभग ये एक कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान में कहीं ना कहीं सरकार ताजुल औलिया के खानदान के लोग टुपुर्दे खाक हैं। कुछ इतिहासकार का कहना है कि आपके नाना भी इसी कब्रिस्तान में दफन है। देखिए, बहुत तारीकी जगह है, कोई नहीं है यहाँ पर इस वक्त मौजूद। दरअसल इसमें वो ऑफिसर्स हजरात की भी मज़ारे हैं जो आर्मी में जॉब किया करते थे, उनका इंतकाल होने पर शायद उनको इन्हीं जगह पर दफन किया जाता था। ये देखिए, ये वही तारीखी शाही कब्रिस्तान है जिसमें सरकार ताजुल औलिया के ख़ानदान के लोग दफन हैं। अभी तक आपने गोरा बाजार के हालात देखे, किस तरीके के वहाँ हालात आज मौजूद हैं। अब मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा आपके बचपन के बारे में। आप सरकार ताजुल औलिया की इब्तदाई तालीम के बारे में बताइए। जहाँ तक सरकार ताजुल औलिया की तालीम और तरबियत का सवाल है या ताल्लुक है, जमाने के मुताबिक उनकी तालीम और तरबियत कामठी में ही हुई। अरबी, उर्दू, फारसी के अलावा अंग्रेज़ी में भी उनकी तालीम और तरबियत पर जोर दिया गया और बहुत कम उम्री में ही आप अपने वालदैन के साये से महरूम हो गए। इसके बाद आपके चचा सैयद इब्राहिम साहब ने आपकी परवरिश की। उनकी वफात के बाद फिर आपके जो नाना जान थे सैयद मीरान साहब और नानी साहबा ने इनकी परवरिश का ज़िम्मा संभाला। चुनाचे तालीम और तरबियत का जो दौर है कामठी में ही हुआ, और ऐसा भी कहा जाता है और रिवायत में आता है कि जिस वक्त आप तालीम और तरबियत के मराहिल से गुज़र रहे थे तो उस वक्त कामठी के एक और बुज़ुर्ग सैयद बाबा अब्दुल्ला शाह कादरी नौशाही का ज़माना था। उन्होंने हज़रत सैयद ताजुद्दीन औलिया को मदरसा जाते हुए देखा तो मुखातिब होकर फरमाया कि इन्हें क्या पढ़ाना, ये सब पढ़ पढ़ा कर आए हैं और इन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इनकी परवरिश पर ध्यान दिया जाए और इनका ख़ास ख्याल रखा जाए। आपके नाना का भी ताल्लुक कहते हैं फौज से था। आपके नाना का जहाँ तक ताल्लुक है इस बारे में तो कहना मुश्किल है कि वो फौज में थे या नहीं थे, लेकिन आपके नाना का ताल्लुक भी गालिबन आप जिस मोहल्ले में मौजूद हैं वो नया बाज़ार मोहल्ला ही था और उनका खानवादा ननिहाल, नानी जान और नाना जान इसी मोहल्ले में आबाद थे जहाँ तक मुझे मालूम है। मैं इतना कह सकता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि वो कामठी की इब्तदा से कामठी में मौजूद थे, जब से कामठी कायम हुई है उस ज़माने में या 5-10 साल के बाद ही वो कामठी आ गए थे। उनका मज़ार गालिबन कामठी शहर में ही है। तो आप हज़रत अब्दुल्ला शाह के बारे में क्या बताएंगे लोगों को? जहाँ तक हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह का ताल्लुक है, कामठी के वो कदीम बुज़ुर्गों में शुमार होते हैं। आपका आस्ताने आलिया कामठी रेलवे स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक है। उनका विसाल कब हुआ? उनके विसाल का जहाँ तक ताल्लुक है 1878 उनके विसाल की तारीख है। यानी उस वक्त सरकार ताजुल औलिया की उम्र गालिबन 15-16 साल की रही होगी जब आपका विसाल हुआ। तो सरकार ताजुल औलिया के बारे में कहा जाता है कि एक तरीके से आप के वो रूहानी पीर मुर्शद भी उनको कहा जाता है कि आपने सबसे पहले फैज उन्हीं से हासिल किया। क्या सही है ये बात? हाँ, ये बात भी सही भी है। और उन्होंने जब मुलाकात हुई थी उन्होंने उनको दुआएं भी दी थी और
कुछ एकाध खजूर का गालिबन जी हिस्सा उन्होंने चबाने के बाद हजरत ताजुल औलिया के हवाले किया था, जिसे उन्होंने वो कबूल भी किया था और उसको नोट भी फरमाया था और खाया भी था। हम ठीक यहाँ से अब चलेंगे हजरत अब्दुल्ला शाह बाबा की मज़ार के पास और देखेंगे कि वहाँ के हालात कैसे हैं। और कहते हैं कि वो बहुत पुरसकून जगह है, चलिए उस जगह की ज़ियारत आपको करवाते हैं। फाइनली हम उस मकाम पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए जो रोज़ा दिखाई देता है, ये दरअसल सुल्तान सूबा हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। कहा जाता है कि सरकार ताजुल औलिया को जो इब्तदाई फैज़ हासिल हुआ आपसे हासिल हुआ। हम चलेंगे अंदर और ज़ियारत करेंगे कि क्या क्या मौजूद है, किस तरीके से आपका मज़ार मुबारक बना हुआ है और आगे इंशाअल्लाह एक एपिसोड हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी बनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल आज हम बाबा ताजुद्दीन के हवाले से बात कर रहे हैं। आइए मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो अंदर की ज़ियारत करवाए, किस तरीके के हालात हैं अंदर। देखिए ये एक शानदार बोर्ड सामने लगा हुआ है। दरअसल ये इलाका जो है एकदम रेलवे लाइन के किनारे है। कहा जाता है कि इस तरफ कामटी रेलवे स्टेशन है। ये पूरा इलाका बहुत सुकून से भरा हुआ है। दरअसल ये देखिए मज़ार शरीफ का ये हिस्सा और उस तरफ एक मस्जिद भी है। ये देखिए ये मज़ार शरीफ जो है हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही का है। नौशाही से मुराद ये है कि कहा जाता है कि नौशा एक उत्तर भारत में एक शहर हुआ करता था। आपका ताल्लुक नौशा शहर से था। नौशा शहर को अगर हम देखें तो एक मकाम अलीगढ़ में भी नौशा है और एक मकाम पाकिस्तान के इलाके मंडी बहाउद्दीन में भी एक कस्बे का नाम नौशा है। कहा जाता है कि आप उस इलाके से यहाँ पर तशरीफ़ ले आए थे। ये देखिए ये आपका रोज़े मुबारक है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। दरअसल जनवरी 1878 को आप इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो चुके थे। सरकार ताजुल औलिया के हवाले से अगर बात की जाए तो बचपन में सबसे पहले फैज़ आपको इन्हीं से हासिल हुआ। ये वो मकाम है, ये वो दयार है हज़रत अब्दुल्ला शाह नौशाही रहमतुल्लाह अलैह का। आप देखिए सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत छोटे थे। कहा जाता है कि अपने नाना के साथ मदरसे जा रहे थे तो रास्ते में आपकी मुलाकात हुई थी और आपने हजरत के बारे में उस वक्त इरशाद फरमाया था, इसको क्या मदरसा ले जाते हो, ये तो सब पढ़ा हुआ है। ये देखिए ये वो शानदार दरबार है। काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पर आ रहे हैं। आपके बारे में एक और वाकया बहुत मशहूर है कि कहा जाता है कि एक वक्त था कि सरकार ताजुल औलिया को आपने एक खजूर आधी खुद खाकर आधी सरकार ताजुल औलिया को दी थी खाने के लिए। यहाँ पर हजरत खादिम साहब हैं बैठे हुए, क्या नाम है आपका? रेहान कादरी साहब यहाँ के खादिम हैं। रेहान कादरी साहब आप बताएं इस दरबार के बारे में कुछ। जी दरबार की तो बात ही निराली है जी। सरकार का रोज़े मुबारक पे जहरीन आते हैं और अपनी मुरादे लेकर आते हैं और अपनी मुरादे भर कर जाते हैं यहाँ से जी। सरकार ताजुल औलिया जो थे जी। सरकार से आपका बहुत गहरा कनेक्शन था जी। सरकार ताजुल औलिया आपको आपके बड़े मानते थे, इसलिए यहाँ चौखट पे सरकार की आप भी आया करते थे जी। एक भाई और हैं जी, हम इनसे भी बात करेंगे जी। आप बताइए सरकार ताजुल औलिया से क्या नस्बत थी? अल्हम्दुलिल्लाह ताजुल औलिया की एक बुजुर्ग से दूसरे बुजुर्ग की नस्बत ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जानते और सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार ताजुल औलिया बहुत अकीदत और मोहब्बत के साथ आया करते थे और गेट पे बाहर खड़े होकर के ही जो उनकी ताज़ीम
में खड़े हो जाया करते थे और कहते थे कि हम इस काबिल नहीं है कि यहाँ कदम रख सके। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ जी, मैं कामटी का ही रहने वाला हूँ, हजरत की खिदमत में रहता हूँ मैं। कहा जाता है कि एक वाकया हमने किताबों में पढ़ा है और सुना भी है कि जब हजरत का आखिरी वक्त था जी, उस वक्त सरकार ताजुल औलिया अपने कुछ साथियों के साथ मुलाकात करने के लिए आए थे, उस वक्त आपने एक शरबत का एक प्याला था, आधा खुद नोश फरमाया था और आधा सरकार ताजुल औलिया को दे दिया था पीने के लिए। तो उस प्याले को पीने के बाद सरकार ताजुल औलिया के जिंदगी के हालात बदल गए, ऐसे कुछ वाकयात आप लोगों ने भी सुने हैं क्या? ऐसे वाकयात तो हमने सुने हैं, लेकिन ऐसे हमने ये सुने हैं कि जब हजरत बाबा अब्दुल्ला शाह नौशाही कादरी, जब हजरत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन ताजुल औलिया जब अरबी की तालीम हासिल कर रहे थे, तो उस वक्त इनका गुजर हुआ वहाँ से, और जो उलमा इकराम उनको जो पढ़ा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये बच्चे को जो है तुम क्या सिखाते हो, ये जो है अजल से जो है इल्म लदुनी सीख कर आया है। तो तभी जो है हजरत ने इशारा कर दिया था। अभी तक हजरत अब्दुल्ला शाह बाबा का मजार देख रहे थे, पुरसकून जगह देख रहे थे। हम डॉक्टर साहब से आगे गुफ्तगु करेंगे। सरकार ताजुल औलिया कहते हैं जब जवान हुए तो उन्होंने, उनका जो पेशा था, उन्होंने सबसे पहले फौज की नौकरी अख्तियार की, क्या ये सही है? जी हाँ, आपने सही कहा है, क्योंकि इनका खानवादा सिपागिरी से मुतालिक था और उनकी जो मुलाजमत का आगाज है हजरत ताजुल औलिया का। इससे कबल मैं ये बताना चाहूँगा कि जब ये 12-13 साल के हुए थे तो कामटी से आपने बस्तर के इलाके का दौरा किया, जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, तो बस्तर के जंगलों में आप पहुंच गए थे और ऐसा भी कहा जाता है कि वहां जाने के बाद इबादत और रियाजत में वो हमेशा मशगूल रहा करते थे। फिर जब वो कामटी लौट कर आए तो कामटी में कन्हान नदी में जो सैलाब आया था, इनके खानवादा मकानात वगैरह जो थे वो वहाँ बह गए थे, मुनदिम हो गए थे। तो इनके जो मामू जान थे अब्दुलरहमान साहब, उन्होंने कहा कि अब ख़ानदानी पेशा आपको इख्तियार करना चाहिए। चुनाचे 1881 में हजरत ताजुल औलिया ने मद्रास बटालियन में शमूलियत इख्तियार की। इस तरह उनका जो सिलसिला या मुलाजमत का जो दौर है कामटी में ही 1881 से शुरू होता है। कहते हैं बहुत कलील मुलाजमत यहाँ करने के बाद उसके बाद उनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश में सागर कर दिया गया था। ये बात सही है कि 1881 में जब वो फौज का हिस्सा बने तो तकरीबन 3 साल वो कामटी में ही मुतय्यन रहे जी। इसके बाद उनका तबादला सागर छावनी में कर दिया गया। सागर छावनी जो अभी मौजूदा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वो उस वक्त उस दौर में वो सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था और आज का जो सागर है वो एक ज़िला का दर्जा रखता है। और वहाँ पर आप ट्रांसफ़र होने के बाद सागर की छावनी में पहुँच गए और तकरीबन 3 साल वहाँ पर भी आपने अपने मुलाजमत का दौर गुजारा है। कहते हैं उसी दौरान आपके ज़िंदगी में इनकलाब आया जी। वहाँ पर सैयद दाऊद चिश्ती मक्की रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक पर आप अक्सर हाज़िरी दिया करते थे और आपकी ज़िंदगी में जो एक इनकलाब आया उसी मज़ार से पैदा हुआ, उसी मज़ार पर ज़ियारत करते थे आप, बहुत ज़्यादा वक्त बिताते थे, क्या सही है ये सब बात में? हाँ, ये बात सही है कि सागर में हज़रत सैयद दाऊद चिश्ती मक्की रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान आलिया है। अब वो जगह पीली कोठी के नाम से मशहूर है। जो लोग भी वहाँ जाना चाहें सागर पहुँचने के बाद, अगर आप पीली कोठी कहेंगे तो आप उनके आस्थान आलिया तक पहुँच सकते हैं। मेरी भी कई बार वहाँ हाजिरी हो चुकी है, उनके दरबार में फातिहा खानी भी हुई है। और जब मैं गया था तो वहाँ के जिम्मेदार हजरात ने मुझे बताया था कि हजरत ताजुल औलिया जब सागर में थे तो अक्सर वो अपनी ज़िंदगी के जो अवकात हैं, जो मुलाजमत के अलावा उनके जो अवकात हुआ करते थे, वो वहाँ पर आया करते थे, वहाँ बैठा करते थे, इबादत रियाजत में उनका ज़्यादा हिस्सा गुजरा करता था। और जब मैं देखा था, जब मैं गया था बहुत पहले, तो देखा भी है ये जगह की निशानदेही की जाती थी कि अक्सर जहाँ बैठा करते थे
عبادت ریاضت کیا کرتے تھے, وہاں ایک درخت بھی موجود تھا, تو اس کی نشاندہی ہوتی رہی ہے. اور انہی کے پاس حاضری کے بعد تاج الاولیاء کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے, اور ساگر میں جانے کے بعد ان کی زندگی فوجی ملازمت سے ہٹ کر روحانیت کی طرف زیادہ رجوع ہو گئی, اور اللہ والوں سے وہ زیادہ قریب ہوتے گئے, اور حضرت سید داؤد چشتی مکی کی فیض یابی ہی کہہ سکتے ہیں ہم, تو وہاں سے ان کو فیض حاصل ہوا. چنانچہ اسی کیفیت میں انہوں نے تاج الاولیاء نے تقریباً 3 سال ساگر میں گزارنے کے بعد اپنی ملازمت سے استعفیٰ بھی دے دیا. ناظرین, کھوج انڈیا آپ کو ساگر بھی لے کر چلے گا, چلیے ہمارے ساتھ ساگر میں اس جگہ کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, حضرت داؤد چشتی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کو, جہاں سرکار تاج الاولیاء کی زندگی کے 3 سال گزرے. چلیے ہمارے ساتھ, ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ساگر. یہ ساگر کا ایک ایسا روحانی مقام ہے جسے پیلی کوٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. دراصل یہ درگاہ حضرت سید داؤد مکی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں سرکار تاج الاولیاء نے اپنی زندگی کے 3 سال بتائے. بابا تاج کا وہی ایریا ہے جہاں پر آپ تلاوت کیا کرتے تھے, بیٹھا کرتے تھے. یہ دیکھیے ماشاء اللہ, میں سمیر خان فوج انڈیا سے اس سمے موجود ہوں ساگر مدھیہ پردیش. آپ نے جیسے بتایا کہ سرکار تاج الاولیاء نے بستر کا سفر کیا, ساگر کا سفر کیا, چھنواڑہ کا سفر کیا, اس کے علاوہ بھی کسی شہر کا سفر کیا ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے یا لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی, حضرت کا دورہ کرناٹک میں ایک جگہ ہے, بہت مشہور جگہ ہے, اور وہ جگہ جو ہے منگلور کے نام سے غالباً وہ جو ہے جگہ, وہاں پر بھی بزرگوں کے اور صحابیوں صحابہ کرام کی آمد کا سلسلہ ملتا ہے, تو وہاں پر بھی ان کی حاضری ہوئی ہے. منگلور کے نام سے جگہ ہے, اسی طرح اپنا تیر منگلور جو ہے جی اسی کے نام سے وہ جگہ بھی وہاں پر مشہور ہے. اس کے علاوہ حیدرآباد سکندر آباد بھی آپ جا چکے ہیں اور وہاں سے بھی ان کی خاص نسبت رہی ہے. اسی طرح جہاں ساگر کا جو ہم نام سنتے ہیں تو جبل پور سے بھی آپ کا نسبت رہی ہے, وہاں کا بھی آپ نے دورہ کیا ہے, کیونکہ وہ بھی فوجی چھاونی کا علاقہ تھا. جبل پور میں آج بھی منگلور پیر جو یہ ہے ہمارے باسم ڈسٹرکٹ, وہاں پر ایک جو مزار ہے دادا حیات قلندر, دادا حیات قلندر بہت مشہور زمانہ بزرگ گزرے ہیں, بہت قدیم بزرگ ہیں, تو وہاں پر بھی آپ کی حاضری بتائی جاتی ہے. اور کرناٹک میں بھی ایک مقام ہے منگلور کے نام سے, وہاں پر بھی آپ, میں جب دورے پر گیا تو وہاں لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت کی یہاں پر بھی حاضری ہوئی ہے, کیونکہ اللہ والے اس لیے ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے. مطلب کہا جاتا ہے کہ دریائے کنہان کے کنارے ایک مزار اماں کی درگاہ کے نام سے مشہور ہے, کیا تعلق ہے ان کا سرکار تاج الاولیاء سے؟ یہاں تک حضرت مریم صاحبہ کا
ताल्लुक है, जिनका मज़ार या मकबरा कन्हान नदी के किनारे वाक़ है, आप हज़रत ताजुल औलिया से फैज़ याफ़्ता हैं और आपने रूहानी एतबार से भी बड़ा मकाम हासिल किया। और ताजुल औलिया भी अपनी ज़िंदगी में अक्सर लोगों को हज़रत करीम मोहम्मद साहब के पास भेजा करते थे ताकि वो उनके खिदमत में हाजिर होकर उनसे फैज़ याबी हासिल कर सकें, दुआएँ हासिल कर सकें। चुनाचे जितने भी लोग कामठी, नागपुर और ताजाबाद वगैरह का उसके ज़माने में दौरा करते हैं, हज़रत मोहतरमा के मज़ार पर भी हाजिरी देते हैं। चलिए देखते हैं अम्मा जी की दरगाह के क्या हाल है उस इलाके में। सरकार ताजुल औलिया कहा जाता है कि बहुत वक्त बीता है दरियाए कन्हान के किनारे किनारे। चलिए हम आपको वो जगह भी दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल हम उस मकाम पर पहुँच चुके हैं जिसे मरियम अम्मा साहब की दरगाह कहा जाता है। जी हाँ, ये मेरे सामने जो मज़ार दिखाई देता है, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए। यहाँ पर अभी कोई उर्स वगैरह चल रहा है क्या? हाँ। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हो? अच्छा, उर्स में आए हुए हैं आप? हाँ। लोग, ये कलावती जी हैं, उर्स में यहाँ पर आई हुई हैं। ये वही मकाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि सरकार ताजुल औलिया नागपुर कामटी के लोगों को कहा करते थे और ख़ुद भी इस इलाके में हाजिर हुआ करते थे कि अम्मा साहब से मिलिए और उनसे फैज़ हासिल कीजिए। आइए ज़ियारत करते हैं उस मकाम की जिसकी फजीलत सरकार ताजुल औलिया ने बयान की है। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं वो मकाम। एकदम दरियाए कन्हान के किनारे ये जगह वाके है। ये देखिए, ये वो मज़ार मुबारक है, अम्मा साहिबा का मज़ार, मरियम अम्मा की दरगाह के नाम से ये जगह मशहूर और मारूफ है। नागपुर कामटी के इलाके में काफ़ी मशहूर है ये जगह। अक्सर सरकार ताजुल औलिया से जो लोग मिलने आया करते थे उनको आप कहते थे कि अम्मा साहब से फैज़ हासिल कीजिए। अम्मा साहब का दौर और सरकार ताजुल औलिया का दौर दरअसल एक जैसा ही रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि दरियाए कन्हान यहां से किस तरीके से नजर आती है। अगर हम इस तरफ देखें, ये सब ज़ायरीन हैं यहाँ पर जो रुके हुए हैं, उर्स के अय्याम हैं, अपने दुख दर्दों को लेकर यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, ये दरियाए कन्हान का खूबसूरत नज़ारा अम्मा की दरगाह से, मरियम अम्मा की दरगाह से नज़र आता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं इस खूबसूरत नज़ारे को, अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहूँगा कि सीढ़ियाँ दिखाएं। पहले दरबार में उतरने के लिए, यहाँ से चढ़ने के लिए एक सीढ़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल जो बहुत ख़तरनाक सैलाब आया था उसमें सीढ़ियाँ बह गई हैं, मिट्टी का कटाव हुआ है और ये सीढ़ियाँ बह चुकी हैं। देखिए, ज़ियारत कीजिए आप, ये वो पुरसकून मकाम है जिसे दयारे मरियम अम्मा साहब कहा जाता है। इस मकाम के बारे में सरकार ताजुल औलिया ने बहुत बार कहा है लोगों को कि अगर आपको फैज़ हासिल करना है तो इस दरबार से हासिल कीजिए। और ये जो इलाका दूर दिखाई देता है, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार और जूम करके दिखाने की कोशिश करें। ये दूर जो इलाका दिखाई देता है, गालिबन इसी तरफ वो इलाका भी है जिसे गोरा बाज़ार कहा जाता है। कब्रिस्तान भी इसी दरिया किनारे, अगर उस तरफ अगर जाएंगे तो वो ख़ानदानी कब्रिस्तान भी सरकार ताजुल औलिया का है। और सागर से आने के बाद सरकार ताजुल औलिया का बहुत सारा वक्त दरिया के किनारे किनारे इसी घाटों पर बीता करता था। ये वही दरियाए कन्हान का इलाका है, इसी किनारे सरकार ताजुल औलिया की ज़िंदगी के कई साल बीते हैं। मेरे भाई ज़ीशान, जो आज
मेरे साथ शामिल हैं उनको कहूंगा कि वो यहाँ पर आए। भाई जिशान से भी बात करेंगे। जिशान भाई खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा भाई जिशान, इनसे मुलाकात मेरी आज दरअसल पहली बार ही हुई है। हम लोग सोशल मीडिया के जरिए मिले हैं, लेकिन इनका मिजाज मुझे काफी पसंद आया। भाई को मैंने सुबह सुबह ही कॉल करके उठा दिया और ये बिल्कुल हाजिर हो गए। दरअसल ये मकामी बाशिंदे हैं, इनका रहना कामटी में ही है। एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं एनजीपी न्यूज़ के नाम पे, काफ़ी अच्छा चैनल है, आप उसको देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। काफ़ी कोशिश करते हैं ये मकामी हालात को। जिशान भाई आप यहाँ के बारे में कुछ बताइए, बचपन में आप लोग यहाँ पर आते जाते रहते हो? देखिए पूरा अब तक का तो बचपन कामटी में ही एक गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से आपने बताया ये सीढ़ियाँ, एक्चुअली कैसा है ये सीढ़ियों के नीचे पूरी नर्म मिट्टी थी। अच्छा। और लास्ट टाइम भी जो बाढ़ आई यहाँ तक पानी जो है वो भर चुका था। अच्छा, ये कहते हैं दरबार के सीढ़ियों तक पूरा पानी था? हाँ, दरबार की सीढ़ियों तक था, अंदर तो दरबार के नहीं जा पाया पानी। अच्छा। है ना, लेकिन सीढ़ियों तक पानी जरूर था। और इसके नीचे भी जो है ना काफी मिट्टी है, इसके पहले ये भी चीजें जो है टूट चुकी थी, बाद में इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अच्छा। और सीढ़ियां वगैरह उसके नीचे की पूरी मिट्टी बह जाने की वजह से हाँ। वो टूट गई है। जो अभी हम कब्रिस्तान होते हुए आए हैं, आप जैसे आपने बताया ये दरिया के जस्ट उस साइड जो है वो कब्रिस्तान है। अच्छा। हजरत बाबा ताजुद्दीन के जो पुरखे जो वहाँ पे दफन है। और अभी जो रास्ते से हम आए हैं वो कैंटोनमेंट के रास्ते से आए हैं, लेकिन आम बाशिंदों को आने की परमिशन जो है यहाँ पर नहीं दी जाती है। अच्छा। सारे लोगों को जो है वो कनान होते हुए इस रास्ते कनान होते हुए रास्ते पर आना पड़ता अच्छा। है। अब एक चीज ये बताइए कि बचपन में आपने भी सुना होगा कि यहाँ के फ्यूज़ और बरकात के बारे में जी, जी। क्या कहते हैं लोग कामटी के, नागपुर के लोग जो मिलते हैं ये मकाम के बारे में क्या? जो भी हजरत बाबा ताजुद्दीन के यहाँ आते हैं जी, वो यहाँ आए बिना नहीं जाते हैं। अच्छा। है ना, मतलब ताजबाग आ रहे हैं। अच्छा, जो जायरीन आते हैं ज़ियारत के लिए भी यहाँ पर उनका आना जरूरी है। जैसे आप देखोगे उर्स जब ताजबाग का भरता है जी, है ना, जितना रश वहाँ पर होता है उसका कुछ हद तक रश यहाँ पर। अच्छा, जो बाहर के जायरीन आते हैं ताजबाग शरीफ ज़ियारत करने के बाद यहाँ पर भी मज़ार मुबारक की ज़ियारत की। कहते हैं कि सरकार ताजुल औलिया ने सागर में ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और उनके ऊपर पूरी तरीके से मजबूबियत उस वक्त तारी हो गई थी। उनके नाना नानी को ये बात यहाँ कामटी में जब पता लगी तो कहा जाता है कि उनके नाना नानी वहाँ गए और उन्होंने उनको वापस कामटी लेकर आए। हम बात करेंगे डॉक्टर साहब इस चीज पर ज्यादा अच्छे से रोशनी डालेंगे। जी हाँ, जहाँ तक ताजुल औलिया का सवाल है, सागर में इस्तीफा देने के बाद वहाँ जज्ब की हालत में मौजूदियत का जो मामला हो चुका था वो सागर में मस्तानावार गश्त किया करते थे। जब ये खबर इनके ननिहाल में पहुँची, क्योंकि उस वक्त तक तो नाना जान का भी विसाल हो चुका था, नानी साहिबा ने उनको वहाँ से लाने का इंतज़ाम किया। कामटी में लाने के बाद यहाँ पर भी वो मस्तानावार गश्त किया करते थे और कामटी के मुख्तलिफ मोहल्लों का दौरा उनका हुआ करता था। इसी हालत में गालिबा 1892 में कामटी क्लब, जो कन्हा नदी के किनारे वाक़ है, जहां अंग्रेज़ अफसरान और उनकी जो मस्तूरात हैं, जो मैडम्स हैं, वो अक्सर जमा हुआ करते थे, खेलकूद में मसरूफ रहा करते थे। तो एक दिन सरकार ताजुल औलिया उस बंगले में पहुंच गए, उस कलम में पहुंच गए। अच्छा, काफी बड़ा बंगले का इहाता है। हम वो इलाका अपने नाजरीन को दिखाना चाह रहे हैं, कामटी क्लब का इलाका, जहां पर ये अहम वाकया पेश आया था जिसके बारे में आप बता रहे थे। आप कहें कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि सरकार ताजुल औलिया को शायद उसी जगह से अरेस्ट किया गया था जी, हम नाजरीन को वो जगह जरूर दिखाएंगे। हाँ बताइए। तो वो कामटी क्लब, वो जो इमारत है, वो जो बंगला है, आज भी मौजूद है, ठीक कन्हा नदी के किनारे वाके है। अभी तक आपने देखा कि हमने आपको सरकार ताजुल औलिया के बचपन से लेके पैदाइश से लेके इब्तदाई 30 साल के हालात को बयान करने की कोशिश की और उन सारे हालातों को आपको हमने सिस्टमेटिक तरीके से दिखाने की कोशिश की कि आपके 30 साल कैसे गुजरे, यानी 27 जनवरी सन 1862 को आपकी पैदाइश से लेके 1892 तक के हालात। दरअसल दोस्तों,
सागर से वापसी के बाद जब आपके नाना आने को पता लगा कि सागर में मजसूबियत आपके ऊपर पूरी तरीके से तारी हो गई और दीवानों की तरह हजरत दाऊद चश्ती मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आप हर वक्त बैठे हुए रहते हैं, तो आपके नाना नानी कामटी से सागर गए, उन्होंने सरकार ताजुल औलिया को वापस कामटी लेकर आई। ये बात सन 1886 के आसपास है। 1886 से 1892 वो 6 साल कामटी में सरकार ताजुल औलिया के जो बीते हैं उसमें मजसूबियत आपके ऊपर पूरी तरीके से तारी थी और आपसे बेशुमार करामतें जाहिर हो रही थी। कहते हैं कि उस दौरान आप दरियाए कन्हान के किनारे किनारे जंगलों में अक्सर लोगों को रियाजत व इबादत करते हुए नज़र आते थे। बात 1892 की, एक दिन ये स्क्रीन पर जो आपको एक मकाम नज़र आता है देखिए, दरअसल ये 1877 में बना कामटी क्लब हाउस है जिसे अंग्रेज़ों ने अपने खेल कूद के लिए फंक्शंस के लिए बनाया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था कि उसमें सरकार ताजुल औलिया घूमते टहलते अचानक पहुंच गए। आपको देखकर वहां पर एक भगदड़ सी मच गई, उसके बाद अंग्रेज़ों ने आपको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जहां वकीलों में गर्मा गर्म बहस वगैरह हुई। उसके बाद कहा जाता है कि आपको नागपुर पागल खाने शिफ्ट कर दिया जाता है, नागपुर मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। दरअसल दोस्तों सरकार ताजुल औलिया की ज़िंदगी का दूसरा दौर यहाँ से शुरू होता है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक साल नहीं, दो साल नहीं, पाँच साल नहीं, पूरे 16 साल सरकार ताजुल औलिया के नागपुर मेंटल हॉस्पिटल में बीते। हम बात करेंगे आने वाले एपिसोड में सरकार ताजुल औलिया के नागपुर में मेंटल हॉस्पिटल में बीते 16 साल पर। उसके बाद किसने आपको आज़ाद करवाया, कैसे आज़ाद करवाया, आज़ाद होने के बाद आप कहाँ गए, कहा जाता है कि वाकी में रहे, काबुल कंधार में रहे, खापा में रहे। उसके साथ साथ नागपुर की ज़िंदगी पर हम चर्चा करेंगे, उन मकामात को भी दिखाने की कोशिश करेंगे जो नागपुर में आज भी वाक़ हैं जहाँ पर सरकार ताजुल औलिया जाया करते थे। उसके अलावा एक ख़ास चीज़ इस एपिसोड में होगी, आने वाले एपिसोड में राजा आज़म शाह साहब के नवासे सलमान शाह साहब से हम बात करेंगे। उनके पास कहा जाता है कि ढेर सारे तबरुकात मौजूद हैं जिनकी नस्बत सरकार ताजुल औलिया से थी। उसके पहले आप इस एपिसोड के आने के पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ शेयर के माध्यम से, ताकि आने वाले एपिसोड आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, सरकार ताजुल औलिया की ज़िंदगी के हालात से सारी दुनिया आशना हो जाए। मैं डॉक्टर अज़ीज़ुद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया। सलाम आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर अज़ीज़ुद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं दयारे ताजुल औलिया में, नागपुर में। जी हाँ दोस्तों, मेरे सामने जो रोज़ा आपको नज़र आता है, मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि वो रोज़े को दिखाए। ये देखिए शानदार रोज़ा जो आपको दिखाई देता है, ये